यार बड़ी फिल्में और बड़ी एक ड्यूरेशन में बहुत कुछ कहना, और अगर आप में वही अदा छोटे में कहने का है कुछ और उतना ही आप मायने निकाल के दे देते हैं किसी भी कंटेंट से और ड्यूरेशन भी कम करके, तो आई थिंक ये बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे लिए। मुझे लगता है कि शॉर्ट फिल्म्स भी उतना ही आनंद देती हैं, उतना ही मज़ा देती हैं जितना पूरा एक ड्यूरेशन तय हुआ हुआ ड्यूरेशन जो देता है। तो अगर 10 मिनट में आपको कहने की अदा आ जाती है तो एक नई दुनिया बनेगी, अगर आपने 10 मिनट का वो इम्पोर्टेंस समझ लिया। ना सोचना आसान होता है ना बनाना आसान होता है, क्योंकि शायद दिन कम लगे और हमारे अंदर का वो इमोशनल मेहनत उतनी लगती है अगर हम सोच रहे हैं और बना रहे हैं। हाँ, पर फन ये है कि आपको मालूम होता है कि ये शॉर्ट फिल्म है, इसे हम 10 मिनट में बना रहे हैं और टेक्निकली 2-3 दिन में शूट कर लेंगे, तो ये एक दिमाग में रहता है कि एक चीज़ शुरू होगी और ख़त्म हो जाएगी। सुधीर मिश्रा के पास शायद तजुर्बों की वजह से कह लो कहानियाँ बहुत हैं, कुछ 1 ग्राम का भी थॉट होता है उनके पास तो उनको लगता है कि इसे कहा जा सकता है। तो वैसे भी अगर कैमरा नहीं है और राइटिंग नहीं हो रही है तब भी उनके पास कुछ किस्से हैं जो ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं और उनको लगता है कि ये हो रहा है और ये हो रहा है, तो ये शायद मेरी अपनी लैंग्वेज जो है सिनेमा की उसमें बाहर आना चाहिए। सुधीर भाई ने मुझे कॉल किया, वेन एवर ही कॉल थी हम, मुझ में एक एक्साइटमेंट आता है कि कुछ रियल जिंदगी के करीब कुछ मज़ेदार होने वाला है, कुछ मसालेदार और टेस्टी और स्टाइलिश होने वाला है, तो मेरा वो थॉट प्रोसेस का जो एक्साइटमेंट है वो शुरू हो जाता है। मुझे वो एक्साइट करता है वो प्रोसेस बहुत ही, कि सब कच्चा कच्चा है, और फिर हम मिलते हैं और हम फिर 1-2 घंटे 3 घंटे हमेशा बात करते हैं, तो बात खूब करते हैं, खूब बातें करते हैं। मैं कुछ उसके उस थॉट के आसपास पहुंच जाता हूं, वो उस थॉट के आसपास पहुंच जाते हैं, फिर वही एक राइटिंग का प्रोसेस हुआ जिसमें बातें बहुत करी कुछ 3 घंटे की और ये लिखा गया फिर। और फिल्म के बारे में यही कहूँगा कि इमोशन और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम दुनिया देख रहे होते हैं तो जितने भी छल कपट सच झूठ वो एक ही लाइन पर हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, और शायद उसी को 10 मिनट में दिखाने की कोशिश सुधीर भाई कर रहे हैं।